मकराविलक्कू पूजा बालकुनगर में धूमधाम से संपन्न हुई। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता एवं बालको महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने भगवान अयप्पा की पूजा अर्चना कर बालको की चौमुखी प्रकृति का आशीर्वाद मांगा। मकर संक्रांति पर्व पर बालकोनगर अयप्पा मंदिर में अनेक अनुष्ठान हुए। अयप्पा सेवा संघम की ओर से शाम को भगवान अयप्पा की रथ यात्रा आयोजित हुई, जिसकी शुरुआत बालकोनगर के सेक्टर 5 स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर से हुई। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पुण्यकालिक निदेशक श्री गुंजन गुप्ता और बालको महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती मोनिशा गुप्ता ने पूजा अर्चना की और भगवान अयप्पा से बालको की उत्तरोत्तर प्रगति का आशीर्वाद मांगा। श्रीमती और श्री गुप्ता सहित अनेक बालको अधिकारियों, कर्मचारियों और बालको नगर वासियों ने पारंपरिक मुथुकुड़ा, निरापरा, थ्रिवेटी और कुत्थु विलक्कू से संबंधित अनुष्ठानों में भागीदारी की। भगवान अयप्पा की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भागीदारी कर पुण्य लाभ कमाया। हाथों में थाला पोल्ली लिए महिलाओं और किशोरी बालिकाओं ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। रथ यात्रा बालकोनगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई अयप्पा मंदिर में पहुंची। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद मंदिर के पट खोले गए। स्वामी अयप्पा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। मकराविलक्कू पर अयप्पा मंदिर परिसर में शानदार आतिशबाजी हुई। बड़ी संख्या में बालको नगर वासियों ने आतिशबाजी का आनंद उठाया। अनुष्ठानों के बाद अयप्पा सेवा संघम की ओर से श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किए गए। 23 साल से ये मकर संक्रांति का आयोजन करते आया और इस साल भी वो आज संपन्न किया है। नवंबर 16 से लेकर के आज तक मतलब 61 डेज का स्पेशल पूजा अर्चना रोज करते आया। आज उसका समापन मकर संक्रांति का दिन किया है। इसमें हम लोग हनुमान मंदिर सेक्टर 5 से लेकर के शोभा यात्रा के रूप में निकला 6 बजे और यहाँ 8:30 बजे पहुँच के ये उसका समापन किया। इसमें हम लोग केरल से स्पेशल ये वाद्य ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट वो पार्टी को केरल से बुलाया और कुछ नादस्वरम ये है ये हम लोग आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम से मंगाया हिंदू के साथ और फिर यहाँ का ये लोकल कला जो कर्मा नाच ये सब
आयोजन करके हम लोग यहाँ तक आ गए। यहाँ आने के बाद में जो पूजा अर्चना किया, आरती किया, उसके बाद अभी लोगों को प्रसाद जो है बांट रहा है। इसमें इस साल भी हम लोग को भगवान की कृपा से सब चीज़ कुशल मंगल और कोई भी हम लोग को परेशानियाँ नहीं हुआ। आम नागरिक और सभी लोग हम लोग को इतना सहयोग दिया है कि इनके सहयोग से ही ये सब कर पाए। और बाल्को मैनेजमेंट की तरफ से भी बहुत सहयोग हम लोग को मिला है, बहुत प्रोत्साहन मिला है।